गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग देख रहे हो कि हम दोनों किचन में बैठे हुए हैं क्योंकि आज मेरे बच्चों का मन कर रहा है न्यूडल खाने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पे ही बना के खिला दूँ। इन लोगों पर बना देती हूँ, साथ साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी कि मैं न्यूडल कैसे बना रही हूँ। जैसे बाहर जैसे बिल्कुल वैसे ही न्यूडल बना सकते हो आप लोग। मेरी रेसिपी देखो, मैं आपको बताती हूँ। और ये देखो साथ में हेल्प हो रही है, बोले मैं हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा चलो हेल्प कर दो, अगर खाना है तो कराओ साथ में। तो ये देखो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रेसिपी जो है। ये मैंने दो प्याज लिए, साथ में मैंने छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया था, दो तीन पीस मैंने हरी मिर्च की ली थी। तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग देखो मेरे साथ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं घर में ही बना रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रेसिपी देखो, ठीक है। मैं बना रही हूँ, आप लोग देखो। मतलब ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालने जा रही हूँ हिसाब से डाल सकते हो कि आपको कितनी हरी मिर्च चाहिए। मैंने तो दो तीन पीस ही डाला है क्योंकि मेरे घर में बच्चों को जो हरी मिर्च पसंद नहीं है। मैं प्याज डालती जा रही हूँ। काट के रखे थे ये डालूंगी, ठीक है। आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल सकते हो, बट मेरे घर में बच्चों को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और ये बंद गोभी डाली है। वो आपकी मर्जी है। इसको 10 मिनट तक फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक ये थोड़ा बहुत फ्राई हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत बन जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि मेरे न्यूडल बन के तैयार हो गए हैं। बस मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी आप लोगों को, और सच में बता रही हूँ ये इतने टेस्टी बने थे ना, मतलब काफ़ी अच्छे बने थे। आप लोग देख सकते हो इसका लुक,
देखने में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उतना ही अच्छा लग रहा है। मैं सर्व कर रही थी तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट ज़रूर करना। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।